सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम देखने वाले हैं iPad 7 जनरेशन वर्सेस iPad 5 जनरेशन। सो आज हम कंपेयर करेंगे iPad 7 और 5 जनरेशन को एक दूसरे से, और यहाँ पे हम स्पेक्स, इसका रिव्यू, गेमिंग, कैमरा, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें, 8 जनरेशन भी लेटेस्ट आ चुका है इस सीरीज़ का, और यहाँ पे प्राइसिंग 7 और 8 की दोनों सेम है, तो आई थिंक सो प्राइस 7 की जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी कम होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। सो अगर आपके पास बजट नहीं है खरीदने का एप्पल के आईपैड्स के लिए, तो यहाँ पे आपके पास बजट फ्रेंडली आईपैड हैं दोनों, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम दोनों कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस प्राइस सेगमेंट में कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, फिफ्थ और सेवन जनरेशन का। लेकिन अगर हम बात करें सेवन जनरेशन की, तो यहाँ पे उसकी जो स्क्रीन है वो है 10.2 इंच की, और अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन है वो है 9.7 इंच की। सो यहाँ पे दोनों के स्क्रीन साइज डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट डिज़ाइन सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है सेवन जनरेशन इसका बैक साइड का, और यहाँ पे नीचे लिखा है आईपैड, और सेम टू सेम यहाँ पे है फिफ्थ जनरेशन जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आईपैड। तो ऑलमोस्ट डिज़ाइन सेम है, बस स्क्रीन का डिफरेंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं हेडफोन जैक देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे है कैमरा 8 मेगापिक्सल, दोनों सेम ही है। आपको साइड से रिकॉर्डिंग HD में देखने को मिल जाती है 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। साइड में आपको सेम टू सेम बेजल देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही में यहाँ पे नीचे स्पीकर ग्रिल्स हैं। और साथ ही अगर हम बात करें थिकनेस की, तो यहाँ पे थिकनेस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं दोनों आईपैड मैंने एक टू स्टैक कर रखे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 10.2 इंच थोड़ा बड़ा है इसलिए वो आगे दिख रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट थिकनेस सेम है। यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों सेम है बिल्कुल। तो ये है मेरे पास iPad 5th जनरेशन, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसका नया अपडेट आ रखा है iOS 14, और ये काफ़ी चेंज हो चुका है, मुझे काफ़ी पसंद आया जो iOS 14 है। इसमें काफ़ी नए फीचर एड ऑन हो रखे हैं, और काफ़ी UI डिज़ाइन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रखी है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, स्पेक्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो चुका है ये। 7 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इसके जो चिपसेट है वो है हमारे पास A10 फ्यूजन चिप, लेकिन जो हमारे पास 5th जनरेशन है उसमें हमारे पास A9 चिप। तो यहाँ पे चिप का डिफरेंस है, बाकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर है इन 7th जनरेशन। और साथ ही में 7th जनरेशन में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है उन्होंने। जो भी नए चिपसेट आते हैं तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी तगड़ी हो जाती है, और कुछ परसेंट फास्टर हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी आईपैड्स होते हैं उनकी सीरीज़ में। सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप हैवी यूज़र हैं, गेम खेलते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट भी इसका काफ़ी अच्छा है, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आईपैड की बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। लेकिन मैं इन दोनों की सेपरेट वीडियो बना रखी है अलग अलग की, बैटरी टाइम, चार्जिंग टाइम दोनों की, तो साथ में आप वो जाके देख सकते हैं। ऊपर कार्ड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूँ बैटरी के मामले में, तो आईपैड 7 जनरेशन थोड़ा सा नया है, तो इसकी बैटरी थोड़ी इंप्रूव हो रखी है, और ऑप्टिमाइजेशन के कारण थोड़ा आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है iPad 5th जनरेशन से। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल दोनों की दोनों सेम है। अगर हम बात करें 5th जनरेशन की, तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ 5th जनरेशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बैटरी बैकअप के मामले में। यहाँ पे चार्जिंग टाइम थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है किसी भी iPad में अभी तक। तो ये थोड़ा मुझे थोड़ा कॉन लगता है ऐसा, कि फास्ट चार्जिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इन नियर फ्यूचर क्या पता कर दे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो ओवरऑल बैटरी बैकअप काफ़ी सही है इसका। अगर आप डेली यूसेज में थोड़ा छोटे मोटा यूज़र काम करते हैं, तो आई थिंक सो आपका काम बन जाएगा, ईमेल वगैरह प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है, तो आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आप हैवी यूज़र हैं, गेमिंग करनी है आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वाली, तो आई थिंक सो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा चाहिए होगा, इसके लिए आपको चार्जिंग कंटिन्यूसली लगा के रखनी पड़ेगी इसके लिए, तो वो थोड़ा एक फ्लॉ बन जाता है इसका। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। इवन 5th जनरेशन की भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, तो अभी तक मैं सब कुछ चला रहा हूँ एक साइड बाय साइड, तो जैसे ही मैं कोई ऐप क्लिक कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही तगड़ी है दोनों की अपने हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम दबा रहा हूँ जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही वो ओपन हो रहा है, कोई भी यहाँ पे आपको यू नो एकदम फ्लॉलेस आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एकदम एनिमेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, कोई भी आपको रुकावट इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो एप्पल का ये ऑप्टिमाइजेशन जो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, इवन अगर हम पुराने आईपैड की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही में एप्पल ऑनलाइन स्टोर भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो नए प्रोडक्ट हैं सिर्फ वही आते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन रिटेल स्टोर से भी आप परचेस कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो ओवरऑल जो UI है कैमरा का, जो भी आपको इसमें ऑप्शन देने को मिलते हैं, सेम टू सेम एज सच 5th और 7th जनरेशन में सेम है। सो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने ले रखे थे, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे हमें कैमरा सैंपल देने को मिल जाते हैं, फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। फ़ोटोज़ यहाँ पे देख सकते हैं
क्लैरिटी, सेचुरेशन, हर चीज़ बैलेंस्ड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी फोटोज़ आ रखी हैं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको फोटोज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सी लगी, यहाँ पे 5th generation की या फिर 7th generation की। तो कमेंट डाउन बिलो नाउ, अभी पॉज करके अभी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग किसको नहीं पसंद है, तो ऑलमोस्ट जितने भी यूज़र्स होते हैं एप्पल के, वो ज़्यादातर आईपैड गेमिंग के लिए ही लेते हैं और मोस्टली स्ट्रीमिंग भी इसी से करते हैं एप्पल से। तो आई थिंक सो ये काफ़ी ज़्यादा एक यू नो प्लस पॉइंट बन जाता है आईपैड का कि यहाँ पे आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है और यहाँ पे आईपैड में गेमिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ अभी 5th generation से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ गेम प्ले है और यहाँ पे कोई मुझे फ्रेम रेट ड्रॉप देने को नहीं मिलता। इवन जितनी भी मैं गेमिंग करता हूँ, मोस्टली जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, वो पबजी खेल रहा हूँ, कुछ भी खेल रहा हूँ, COD खेल रहा हूँ, तो मैं अपनी 5th generation से ही करता हूँ। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, इवन इतना पुराना होने के बावजूद भी इतनी तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब एप्पल उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज अपने सिस्टम को रखता था और इतना ज़्यादा बढ़िया गेम प्ले देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें 7th generation की, तो ये थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें भी गेम प्ले हो जाता है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास 5th generation आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई थिंक सो ये लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ पे आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने को मिल जाती है, तो आई थिंक सो इसमें कोई कंपैरिजन आपको देने को नहीं मिलेगा। 8th generation की बात करें, तो यहाँ पे 8th generation भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, वो भी लेटेस्ट है, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं अभी लेना। लेकिन 7th generation भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है गेमिंग के मामले में, इसकी प्राइस भी लो होने वाली है। अगर इन नियर फ्यूचर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आई थिंक सो ये भी प्रेफर्ड आप कर सकते हैं अगर आपको गेमिंग करनी है तो। और वैसे भी आजकल गेमिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है इस टाइम पे, तो आप भी गेमिंग कर सकते हैं इसमें डेफिनेटली। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिवाइस सपोर्ट की, तो लेकिन यहाँ पे आपको 5th generation में एप्पल पेंसिल या फिर कीबोर्ड का सपोर्ट देने को नहीं मिलता। लेकिन हम बात करें 7th generation की, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेरे पास आईपैड पड़ा हुआ है अभी, वो 7th generation है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एप्पल पेंसिल का सपोर्ट देने को मिलता है, साथ में यहाँ पे आप कीबोर्ड लगा सकते हैं। तो ये आईपैड 5th generation का एक फ्लॉप बन जाता है, लेकिन आईपैड 7th generation में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास मैकबुक प्रो है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का काम लेने में आ सकती है। तो आई थिंक सो ये प्लस पॉइंट बन जाता है 7th generation का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो 5th generation भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फ्लॉ है कि यहाँ पे आपको एप्पल पेंसिल और साथ में कीबोर्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 7th generation में देखने को मिल जाता है, तो ये प्लस पॉइंट बन जाता है 7th generation का। ऑलमोस्ट स्क्रीन साइज बड़ा है 7th generation का और बाकी परफॉर्मेंस दोनों की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। तो ये था कुछ ओवरऑल, सो दैट्स इट फॉर गाइस, एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो एंड आल्सो हिट द लाइक बटन, स्मैश सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। अंटिल देन, गुड बाय।